हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का टूपांड के इकोनॉमी के सेशंस में आज के चैप्टर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं दरअसल ये डिबेट कई सालों से चल रही है पूरी दुनिया भर में जानने की कोशिश करेंगे कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है और आखिर में कंक्लूजन पर भी आएंगे कि किस तरीके से एनवायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों को बैलेंस किया जा सकता है तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला तो एन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंट इज एविडेंट विद द रेंज ऑफ इको सिस्टम सर्विसेज दैट इट ऑफर्स सबसे इंपॉर्टेंटली रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ ये आते हैं हमें बहुत अच्छी खासी तौर पर पता है कि एन्वायरमेंट इज द स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ एवरी तो तो जाहिर सी बात है कि एन्वायरमेंट के इको से हमें कई सर्विसेज मिलते हैं जैसे कि प्रोविजनिंग सर्विसेज दैट इज़ फूड इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर ये भी हमें एनवायरमेंट से मिलता है रेगुलेटिंग सर्विसेज सच सचेस क्लाइमेट रेगुलेशन वाटर क्वालिटी रेगुलेशन एक्सेट्रा ये भी एनवायरमेंट हमारे लिए करता है कल्चरल सर्विसेज रिक्रिएशनल एंड रिलीजियस सर्विसेज दोनों ही हमें सर्विसेज इन्वायरमेंट से देखने को मिलता है सपोर्टिंग सर्विसेज न्यूट्रिय साइकिल सॉयल रिफॉर्मेशन रेन ये सभी जो है कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से ही जुड़े हुए हैं अगर ये सभी बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स ना हो तो डेवलपमेंट कहाँ से आएगा ग्रोथ कहाँ से आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ से होगी तो नो डाउट एनवायरमेंट इज़ सुप्रीम वन कंपेयर्ड विद डेवलपमेंट बट विदाउट डेवलपमेंट ओनली एनवायरमेंट इज़ ऑफ नो यूज़ रिलेशन ऑफ एनवायरमेंट विद डेवलपमेंट खासकर डेवलपमेंट से लेकर इन्वायरमेंट का किस तरीके से रिलेशन है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर इनविटेबल टू ब्रिंग इन डिजायर्ड लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जाहिर सी बात है कि एन्वायरमेंट तो इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डेवलपमेंट को पीछे की सीट पर बिठा देंगे ये बहुत ही ज़रूरी है तो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक इन्फक्स के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के लिए तभी जो है सोसाइटी आगे बढ़ेगी दिस इज ऑल्सो बिल्यूड टू बी एसेंशियल टू सब्सटैशियली इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम यानी कि एक इंडिविजुअल जितना अर्न करता है उसमें भी बढ़ोतरी लाने के लिए डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है हवेवर दीज इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज आर श्योर टू हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस सच एज पॉल्यूशन नॉट जस्ट पॉल्यूशन जब आप अर्बनाइजेशन कहते हैं तो डिफोरेस्ट्रेशन भी होता है लैंड भी फॉरेस्ट का कम किया जाता है तो एनवायरमेंट पर बहुत ही बुरी तरीके से मार वहाँ पर पड़ती है

आज हमारा कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि कल उसे नेगेटिवली एफेक्ट uh, ना हो दिस इज वॉट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज ऑल अबाउट मैं आपसे अब रिकमेंड करूंगा कि हमने सस्टेनेबिलिटी पर भी इन डिटेल वीडियोज बनाए हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर वहां पर उन्हें देख सकते हैं बट द रियलिटी इज दट कंटिन्यूट ग्रोथ जनरेटिंग एक्टिविटीज ओनली इंक्रीजिंग डिट्राइड्स द एनवायरमेंट क्वालिटी तो चाहिए कि हमें दोनों के बीच बैलेंस लेकर चलें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जस्ट रैंडम डेवलपमेंट ना हो ये थी जन बातें जो आपको जाननी थी एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट के बारे में थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो